ओम नमो शिवाय। यदि आप कान के दर्द से परेशान हैं, आपके घर में किसी के भी कान में दर्द हो रहा है, बच्चे के हो रहा है, बड़े के हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप परम पूजनीय पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ यह उपाय जरूर करें। आपको दो पीपल के पत्ते लेने हैं। पत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पत्तों को धो लें, साफ कर लें। उसके बाद पास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं। एक पत्ता शिव जी पर चढ़ा दें और दूसरा पत्ता शिव जी की पुत्री श्री अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ा दें। अशोक सुंदरी जी का स्थान सबको पता होगा, पंडित जी ने अपनी कथा में बहुत बार बताया है, और नहीं पता है तो फिर आप ये देख लीजिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। थोड़ी देर बैठने के बाद वह दोनों पत्ते वापस घर ले आएं, और जिसके भी कान में दर्द हो उसको वह दोनों पत्ते उसके दोनों हाथों में रख दें और हाथों से अपने दोनों कानों में वह पत्तों को दबाएं। थोड़ी देर ऐसे ही हाथों से दबा कर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का थोड़ी देर जाप करें। कम से कम 8 से 10 मिनट तक कानों पर रखे और इस तरह से जाप करता रहे। ऐसा करने से उसको तुरंत आराम मिल जाएगा, कानों का दर्द सही हो जाएगा। ऐसे ही उपाय जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमो शिवाय।